अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं कलीमुल्ला खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फैनिकियर। आज की जो वीडियो है बड़ी ज़बरदस्त है। पीछे मैंने जो वीडियो बनाई थी वो ब्लैक फेस ब्लैक इंक से बनाई थी, आज उसका पार्ट थ्री बना रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये आपको वीडियो पसंद आएगी। तो जिन भाइयों ने अभी तक मेरा यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर पुश करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। आज की जो वीडियो है मेरी है वो है एग्जीबिशन क्रश में ब्लैक विंग और ब्लैक फेस, ठीक है। अब ब्लैक विंग और ब्लैक फेस में मैं आपको जो है दो पेयर दिखाने लगा हूँ, ठीक है। ये मेरा कैमरा मेरा घर इसमें क्लोज करके दिखाए। ये है एक फेस, एक पेयर है जनाब ब्लैक विंग की फीमेल है और ग्रीन क्रश का मेल है। ये दोनों ब्लू क्रश के, ठीक है। ये है ब्लैक फेस का मेल, ठीक है। और ये है जनाब ऑफलाइन की फीमेल, ठीक है। लोग ऑफलाइन से भाग रहे लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑफलाइन पूरा भीड़ करा रहा हूँ। इसकी एक वजह है कि ऑफलाइन में बड़ी डेप्थ है, ऑफलाइन बेसिक है जिसने जो है ना आपको डेप्थ देनी है और जिससे आपके स्पोर्ट भी अच्छे बन जाएंगे बर्थ के और जिससे जो है ना फीजर भी अच्छा इनके प्रूव होगा। अच्छा, आज का जो पेयर है ना, पहले आते जी इस पेयर से, ये दोनों हैं ग्रीन ब्लू के स्ट्रिप, सॉरी ग्रीन बर्ड। अब इनमें से जो बच्चे आएंगे, ठीक है, वो आएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्रश की वर्किंग जो है ना वो उस पर थोड़ी सी बात कर लें। अक्सर लोग पूछे जी क्रश की वर्किंग, देखिए क्रश में आपके पास जो है ना जीन जो है ना सिंगल फैक्टर जीन और डबल फैक्टर जीन होना चाहिए, ठीक है। सिंगल फैक्टर जीन जो है वो है सिंगल क्रश, ठीक है, जो कि क्रश और एग्जीबिशन की वर्किंग में से बर्ड निकला उसको आपने लगा उसमें क्या। अगर डबल फैक्टर जीन जो है ना वो क्रश टू क्रश जो बर्ड लग के क्रश आया हुआ ना वो जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग होगा। उसको अगर आप एग्जीबिशन या बैकफेल में बर्ड लगाए तो डबल फैक्टर जीन में ना अमूमन बर्ड जो है ना वो बैकफेल होता है। उसको जब आप किसी एग्जीबिशन की फीमेल के साथ भी लगाते हैं ना उसमें से आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। उसमें तो कोई आपको टफ बर्ड आ जाता है और समटाइम इस तरह होता है कि सर्कल राउंड का बर्ड आया था, क्योंकि आप जो है ना डबल फैक्टर जीन्स को ब्रीड करा रहे हैं। जब तक आपके पास डबल फैक्टर जीन्स नहीं होगा आप क्रश की वर्किंग में आगे नहीं जा सकते, जाएंगे लेकिन लेट, ठीक है। तो क्रश टू क्रश ब्रीड करा के जो बर्ड आता है वो डबल फैक्टर जीन्स का बर्ड होता है, ठीक है, बैकफिल होता है या डबल क्रश का बर्ड होता है। जिस तरह के ये बर्ड आप देख रहे हैं ये डबल फैक्टर जीन्स का बर्ड है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि क्रश जो है ना डिस्टर्ब है, डबल है और ये शेयर भी बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। अब इसको मैं ब्लैक विंग के साथ ब्रीड करा रहा हूँ। इसमें से ब्लू बच्चे भी आएंगे, ठीक है, इसमें से ग्रीन बच्चे भी आएंगे, ठीक है, इसमें से नर मादियाँ दोनों आएंगी वो जो ब्लैक विंग की स्प्लिट होंगी, ठीक है। इसमें से टफ बर्ड भी आएगा। अब इसमें से जो बर्ड आएंगे ना उसको आपस में अगर ब्रीड करा लें, ठीक है, या बेहतर यही है अगर आपने आगे जाना है तो इस मेल को दो फीमेल के साथ ब्रीड कराएं, ठीक है। उसमें से आपका जो बर्ड आएंगे उनको आप आपस में ब्रीड कराएंगे तो इंशाल्लाह साइज भी इंप्रूव होगा और आपके पास बर्ड भी अच्छे साइज तो क्रश भी अच्छा आ जाएगा और ब्लैक विंग क्रश बन जाएगा। ब्लैक विंग क्रश अभी अच्छे साइज में बन रहा है, इसकी मार्केट भी है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं ब्लैक फेस क्रश, ठीक है। अब ये जो फीमेल है ना ऑफलाइन की ये भी डबल फैक्टर जीन है, ठीक है, और ये यंग है अभी बिल्कुल, ठीक है। ये जो बर्ड आपको दिखा रहा हूँ ग्रीन है ब्रीडर है, ये यंग है, ये दोनों यंग बर्ड है, ठीक है। इसमें से अब लोग कहते हैं ऑफलाइन में, कहते हो नहीं ऑफलाइन में आपने फीमेल ले ली है, ठीक है। इसमें से जो बर्ड आएंगे ना मेल स्प्लिट होंगे ऑफलाइन के, ठीक है, और फीमेल जो है वो नॉर्मल आएंगी इसमें से, ठीक है। अब उन मेल को अगर आप नॉर्मल फीमेल के साथ ब्रीड कराएंगे तो उसमें से 50% ऑफलाइन फीमेल आएंगी, 50% नॉर्मल फीमेल आएंगे, ठीक है। इसकी वर्किंग भी इसी तरह ही है कि इस मेल को आप जो है ना किसी दो फीमेल के साथ ब्रीड करा लें, ठीक है, ब्रीड करा दें, उसमें से जो बर्ड है उनको आपस में ब्रीड कराएं, उसमें से आपका ब्लैक फेस टफ भी आएंगे, ब्लैक फेस क्रश भी आएंगे, ठीक है, और फीमेल आपके पास जो है ना ब्लैक फेस ऑफलाइन की आएंगी, ठीक है। लेकिन यह है कि ऑफलाइन ब्रीड कराने से आपको जो है ना स्पॉट भी अच्छे मिल जाएंगे और फीदर भी इंशाल्लाह ताला अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि रेट मैं मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि रेट जो है ना इसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, आप दोनों होते रहते हैं। अब ब्लैक फेस है, ब्लैक विंग आया था जब 2-3 साल पहले तो 1.5 लाख का पीस था, 3 लाख का जोड़ा था, फिर 2.5 लाख का जोड़ा हुआ, ठीक है। असल में हम लोग जो भागते हैं ना वो म्यूटेशन में डेप्थ नहीं हम देखते, हम जो है ना म्यूटेशन आती है या ब्लैक विंग इस टाइम जो है ना वो 6-7 हज़ार का पीस बिक रहा है, ब्लू में जो है ना 10-12 हज़ार का पीस बिक रहा है।
लेकिन इसकी डेप्थ में हम नहीं जाते। दरअसल इसकी डेप्थ है ना वो ये है कि इसमें अभी क्रस्ट बनना है अच्छे साइज का, होगो अच्छे साइज का बनना है, इसने भी एग्जीबिशन की वर्किंग में जाना है, ठीक है। और एक चीज़ हो रही है, ब्लैक फेस है, ब्लैक फेस में भी होगो जो है ना बना हुआ है लेकिन कम है, अच्छे साइज में होगो बनेगा, नॉर्मल साइज में होगो, फिर इसमें क्रस्ट बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये एग्जीबिशन वर्किंग में जाएगा, ठीक है। इस तरह इनके जब तक हम इसकी डेप्थ को नहीं समझेंगे, इसकी वर्किंग को नहीं समझेंगे, हम आगे नहीं जा सकते। अब यहाँ पे मैंने देखा कि 90% लोगों को जेनेटिक का पता नहीं है, ठीक है। जब तक आपको जेनेटिक का पता नहीं होगा, आप किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आ सकते, आप आगे नहीं जा सकते। तो मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि जेनेटिक जो है ना उसको समझे, आप जेनेटिक के समझेंगे तो इंशाल्लाह आप 70-80% जो है ना खुद वर्किंग करके अच्छा बर्ड बना लेंगे। क्योंकि जो नए फैंसियर हैं जो कि अच्छा बर्ड खरीद नहीं सकते, उनकी इतनी पसली नहीं होती, तो ये उनके लिए मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ ये उनके लिए। अब ये भी बड़ी होट एट में है, इसमें से इंशाल्लाह आप बड़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। और अभी इसमें बड़ी डेप्थ है, ठीक है। इसमें होगो एग्जीबिशन भी आएगा, क्रश भी अच्छा साइज में आएगा, फिर ये नॉर्मल होगो भी आएगा इसमें, ठीक है। तो मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि जो है दिल बर्दाश्त ना हो, इसमें वर्किंग करें, वर्किंग करके अच्छा बर्ड बनाए, इसमें बड़ी डेप्थ है इंशाल्लाह और बड़ी अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह अस्सलाम वालेकुम।